नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, गरीबों से माफी मांगता हूं। देश में पहली बार एक दिन में सामने आए 221 संक्रमित मामले, आज हुई 2 की मौत। संकट में लॉकडाउन, 5 लाख से ज्यादा लोगों का दिल्ली से पलायन, हालात बेहद चिंताजनक। अब एक बार में नहीं मिलेगा 2 महीने का सस्ता राशन, सरकार ने बदली व्यवस्था। दिल्ली के आप विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज, मुख्यमंत्री योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कोरोना वायरस से स्पेन की राजकुमारी की मौत, कनाडाई PM की पत्नी हुई ठीक। UP में कोरोना वायरस का एक और संक्रमित मिला, संख्या बढ़कर हुई 66। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कांग्रेस नेता हुए गिरफ्तार, शराब पीकर हंगामा करने के आरोप। इटली में कोरोना से लड़ रहे 51 डॉक्टरों की मौत, 10,000 से पार। स्पेन में भी हालात बेहद खराब। लॉकडाउन में राहत भरी खबर, MIT का अध्ययन, भारत में गर्मी कम करेगी कोरोना का कहर। वैश्विक स्तर पर 6 लाख पीड़ित, 30,000 से ज्यादा मौत, अमेरिका में 1 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में मजदूरों का छल का दर्द, खाना मिलता तो तंबू में रह लेते, यूं चोरों की तरह ना भागते। मजदूरों को खाना पानी देंगे या ना चाहिए, और टोल ऑपरेटर बोले नितिन गडकरी। प्रशांत किशोर का केंद्र पर आरोप, कहा लॉकडाउन हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला, भारत इससे बेहतर का हकदार। पंजाब के सभी अस्पतालों में जल्द बनेंगे ICU, कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट भी आएगी जल्द। पंजाब में 14 अप्रैल तक चलेगी कोरोना के खिलाफ जंग, कर्फ्यू को लेकर हो सकता है नया प्लान। हरियाणा आने की फिराक में पंजाब के NRI बढ़ा सकते हैं मुश्किल, चौकस रहने के निर्देश। छोटे कारोबारियों का 2.5 लाख का कर्जा किया जाए माफ, आपातकाल वेतन योजना भी हो लागू, बोली कुमारी शैलजा। कोरोना वायरस को लेकर फरीदाबाद में एक और केस, हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या हुई 20, अब तक 6 हुए ठीक। लॉकडाउन में हरियाणा में प्राप्त है भंडार, नहीं होगी आटे की किल्लत, अफसरों की ड्यूटियां तय। खबर पंजाब तो, पंजाब सरकार के ऐलान तो बाद सूबे दियां जेलां च कैदियां दी रिहाई शुरू। कोरोना कर्फ्यू सरहदी पिंडां दे लोकां नूं नहीं मिल रहा राशन, नहीं ले रहा कोई सार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सच कहूं। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।